गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप सबको जाति व्यवस्था जो हमारा कास्ट सिस्टम है ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार है वो है जाति और वर्ग। यदि हम पश्चिमी देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में या पश्चिमी देशों में देखें, वहाँ सामाजिक स्तरीकरण का आधार सिर्फ वर्ग है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्ग के अलावा प्राचीन काल से जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया चली आ रही है। तो जाति व्यवस्था किसे कहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम, सबसे पहले ये कास्ट शब्द कहाँ से आया, सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा में कास्ट जो है कास्टा से लिया गया था, कास्टा शब्द से बना था। उसमें प्रतिबंध, सीमित रहना, उसका अर्थ लगाया गया था, वहीं से जाति शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। तो और लेकिन यदि हम भारतीय समाज में जाति की बात करें तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाओं के अनुसार परिभाषित किया है। जैसे कूले ने कहा है, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। इसी प्रकार मजूमदार तथा मदान ने कहा है, जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि व्यक्ति, वास्तव में मैं इसको समझाना चाहूंगी आप पे, आपको, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो मृत्यु पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहता है। व्यक्ति का जन्म यदि ब्राह्मण जाति में हुआ है वो मृत्यु पर्यंत ब्राह्मण जाति का सदस्य ही रहता है। यदि व्यक्ति का शूद्र जाति में या वैश्य जाति में जन्म हुआ है तो मृत्यु पर्यंत वो उसी जाति का सदस्य रहता है। इसलिए मजूमदार तथा मदान ने उसको बताया है कि जाति एक बंद वर्ग है। अपवाद महिलाएं, महिलाओं के विवाह के उपरांत जाति बदल जाती है, ये एक अपवाद है। दूसरा मैं बताया था कूले के अनुसार, C.H. कूले, चार्ल्स कूले ने कहा है, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। देखिए, जो जाति है वो हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकता से मिलती है। हेरिडिटी की अगर हम बात करें, अनुवांशिकता कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है और जो हमें अपनी पीढ़ियों से मिली है। तो जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे कूले ने कहा है जाति। तो यहाँ इन दो परिभाषाओं से ये डिफाइन हो गया है कि जाति जो है भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार है, और जाति व्यवस्था जो है इसमें व्यक्ति को, अब जो जाति में जन्म लेता है वो जीवन पर्यंत उसका सदस्य रहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जन्म के समय से ही उसकी जाति मिल जाती है। अब एक आता है इसमें जाति प्रथा की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। भारत में यदि हम जाति प्रथा की विशेषताओं की बात करें तो पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। हम प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सबको अपने पुराणों में, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। समाज को विभिन्न खंडों में बांटना, खंडों में बांटना मतलब समाज का जो खंडात्मक विभाजन है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर है, ये जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। दूसरी है संस्तरण। संस्तरण शब्द इंग्लिश के हायरार्की से बना है। संस्तरण कहते हैं ऊंच नीच का विभाजन। जब किसी चीज में हमें उच्चता और निम्नता के भाव मिलते हैं तो उसे संस्तरण कहते हैं। जाति के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया है, जाति वर्ण व्यवस्था से ही आई है, तो जहां ब्राह्मण क्षत्रिय की स्थिति वैश्य और शूद्र से ऊपर मानी जाती है, यानी संस्तरण। जैसे अगर हम उसकी बात करें वर्ण व्यवस्था में, तो वर्ण व्यवस्था में प्रथम स्थान पर ब्राह्मण, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य और इसी प्रकार फोर्थ पे शूद्र को माना जाता है, और यही इनकी समाज में पोजिशन है। नेक्स्ट है इसमें जाति व्यवस्था में जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, कहने का मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी का सदस्य रहता है। नेक्स्ट है इसमें विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखिए, व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह के साथी का चुनाव करना पड़ता है। हालांकि अब समय बदला है, अंतर जातीय विवाह प्रचलित हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में हम जिस जाति प्रथा की बात कर रहे हैं उसमें अपनी जाति में विवाह करना अनिवार्य था। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसमें व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध। प्राचीन काल में जातियों के व्यवसाय पूर्व निर्धारित थे। धोबी, नाई, लोहार, कुम्हार, जमींदार, इन सब की जातियां इनके व्यवसाय के अनुरूप निर्धारित थी।
जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वो अपनी जाति से संबंधित व्यवसाय को ही चुन सकता था, अलग व्यवसाय वो नहीं करते थे। तभी से ये जजमानी सिस्टम भी आया, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है इसमें भोजन संबंधी प्रतिबंध। भोजन संबंधी प्रतिबंध भी जाति व्यवस्था में प्रचलित थे। ब्राह्मण व्यक्ति जो होते थे वो कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करते थे, सरल सात्विक भोजन करते थे। और साथ ही साथ ब्राह्मण जाति का व्यक्ति सिर्फ क्षत्रिय वैश्य के यहाँ भोजन करता था, कभी वो शूद्रों का भोजन स्वीकार नहीं करते थे, उसमें छुआछूत को माना जाता था। इसी प्रकार बर्तनों को लेकर, खाना पकाने को लेकर, कच्चा और पका भोजन को लेकर भी प्रतिबंध पाए जाते थे। नेक्स्ट इसमें है जाति का राजनीतिक रूप। बहुत सी जातियों में अपनी जाति पंचायत, जाति खेप, अभी हमने हरियाणा में जाति पंचायत, जाति खेप किए वर्ड सुने हैं, तो वास्तव में जातियों ने अपनी एक अपने को, अपने समूह को एकता में बांधने के लिए अपनी जाति पंचायत बनाई थी, अपनी जाति खेप बनाई थी। इसी के माध्यम से वो अपनी जातियों का संरक्षण करते थे। गांव में क्या होते थे, पंचायत होती थी, वो उच्च जातियों के व्यक्ति हुआ करते थे पंचायत में, पंच प्रधान हुआ करते थे। तो ये सब सिस्टम, जाति का राजनीतिक रूप, ये सब जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये जाति की प्रथा की विशेषताएं हैं। देखिए जाति और जाति प्रथा की जो विशेषताएं हैं, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।